गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. दिस इज योर इंग्लिश फर्स्ट बुक द राइज ऑफ इंग्लिश गार्डन. आई ऑलरेडी रीड यू लेसन वन. दिस वन गॉड्स गिफ्ट है ना. सो टूडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन टू द कंट्री माउस एंड द टाउन माउस. ओके कंट्री मीन्स विलेज, विलेज मीन्स गांव. एक कंट्री इसी कंट्री मीन्स देश भी होता है. ओके और इसी कंट्री मीन्स होता है विलेज, विलेज मीन्स गांव. टाउन मीन्स नगर या शहर. ओके माउस मीन्स चूहा. तो कंट्री माउस एंड द टाउन माउस मीन्स विलेज गांव का चूहा और शहर का चूहा. ये एक स्टोरी है. आप सभी एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली एंड रीड विद मी. वंस देयर लिव्ड अ लिटिल माउस इन अ होल अंडर द स्टोन्स ऑफ ए वॉल. एक बार एक छोटा चूहा एक होल में छेद जो जमीन के अंदर बना होता है उस तो छेद में रहता था जो कि कहाँ बना हुआ था. द स्टोन्स ऑफ ए वॉल जो एक दीवार के नीचे पत्थर के अंदर बना हुआ था उसमें रहता था. ही लिव्ड लाइक प्रिंस वह एक राजकुमार की तरह रहता था. ही हैड प्लेंटी टू ईट एंड ही हैड स्टोर्ड अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड. वह उसके पास बहुत खाना था खाने के लिए और उसने बहुत सारा खाना स्टोर करके स्टोर में बचा के रखा हुआ था. देयर फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर हिज फैमिली अपने लिए और अपने परिवार के लिए. हिज कजिन मिस्टर टाउन माउस लिव्ड इन अ टाउन नियर बाय. उसका कजिन, कजिन आप समझते हो अंकल के जो हमारे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं उनको कजिन बोलते हैं. जो हमारे अंकल के बच्चे होते हैं उनको कजिन्स बोलते हैं. तो उसका कजिन मीन्स की कहा मिस्टर टाउन जो शहर में रहता था. मिस्टर टाउन माउस लिव्ड इन अ टाउन नियर बाय जो पास के ही शहर में रहता था. वन डे ही सेंट अ इन्विटेशन टू मिस्टर टाउन माउस टू कम एंड पे हिम अ विजिट. उसने एक दिन एक इन्विटेशन मीन्स निमंत्रण, निमंत्रण भेजा उसको कि वो उसके घर आए. मिस्टर टाउन माउस केम टू मिस्टर कंट्री माउस. मिस्टर टाउन माउस मीन्स की शहर का चूहा गांव के चूहे के घर आया. द कंट्री माउस रिसीव्ड हिम वार्मली जो गांव का चूहा था उसने बहुत ही गर्म जोशी से उसका स्वागत किया. देन ही विद ग्रेट प्राइड शोड हिम हिज हाउस तब उसने बहुत ही गर्व के साथ अपना घर दिखाया. एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फैमिली और अपने परिवार से मिलवाया. ही ब्रॉट हिम आउट द बेस्ट फूड ही हैड एंड ऑफर्ड इट टू हिज कजिन. उसने सबसे अच्छा खाना अपने कजिन मिस की अपने भाई को खाने के लिए दिया. बट मिस्टर टाउन माउस लुक्ड डाउन हिज विस्कर्स एट द फूड विद एन एयर ऑफ सुपीरियरिटी. पर मिस्टर टाउन विस्कर्स मीन्स मूछें, उन अपनी मूछों को लटकाते हुए खाने को देखा और अपनी श्रेष्ठता जताई. श्रेष्ठता इस तरीके से की मतलब वो उससे ज्यादा अच्छा खाना खाता है इस तरीके से देखा, खाने को देखा. ही एट विद नो इंटरेस्ट उसने बिना रुचि के, बिना रुचि के मतलब वो बिना मन के खाना खाया. वाइल द कंट्री माउस एंड हिज फैमिली हैड अ हर्टी मील जबकि जो गांव का चूहा था उसने बहुत अच्छे से खाना बनाया था और उसने और उसकी फैमिली ने बहुत अच्छे से खाना खाया, पेट भर के खाना खाया. लेकिन जो शहर का चूहा था उसने मुंह बनाते हुए इतना अच्छा खाना होते हुए भी मुंह बनाते हुए खाना खाया जैसे कि उसको पसंद ना आया हो. ओ माई डियर कजिन हे मेरे भाई द टाउन माउस सेड एट लास्ट. उस शहर के चूहे ने
कहा, हैव यू बीन ईटिंग सच फूड एवरी ईयर, क्या हर साल तुम ऐसा ही खाना खाते हो? यू थिंक इट इज द बेस्ट फूड, और तुम सोचते हो कि ये सबसे अच्छा खाना है? वाट फॉल्ट डिड यू फाइंड विद इट, फॉल्ट मीन्स गलती या कमी, तुमको इस खाने में क्या कमी दिखाई दी? मिस्टर कंट्री माउस सैड, गांव के चूहे ने पूछा गुस्से से, एंग्रली, एंग्रली मीन्स गुस्से से, गांव के चूहे ने पूछा कि तुमको इस खाने में क्या कमी दिखाई दी? माई हस्बैंड वर्क्स वेरी हार्ड, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं तब ये खाना प्राप्त करते हैं. गेट मीन्स टू गेट मीन्स प्राप्त करना. आई एम श्योर नो माउस इन द कंट्री हैज बेटर फूड देन अवर्स, सी सेड. उसने कहा कि मुझे विश्वास है, श्योर मीन्स निश्चित या विश्वास, मुझे विश्वास है कि हमारे गांव में इससे अच्छा कोई भी खाना नहीं खाता होगा, ऐसा चूहिया ने कहा. नाउ नेक्स्ट पेज. इन ऑर्डर टू चेंज द टॉपिक, टॉपिक को चेंज करने के लिए, टॉपिक मतलब जो बात हम कर रहे हैं उस बात को बदलने के लिए, मिस्टर कंट्री माउस बिगेन टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाउन लाइफ. जो गांव का चूहा था उसने शहर के जीवन के बारे में बातें करना या प्रश्न पूछना शुरू किया. एट लास्ट हिज कजिन लेफ्ट, अंत में उसका कजिन जो भाई था चला गया. बट नॉट बिफोर टेकिंग अ प्रोमिस फ्रॉम मिस्टर कंट्री माउस दैट ही वुड सून पे अ रिटर्न विजिट टू मिस्टर टाउन माउस. बट जाते जाने से पहले उसने जो अपने कजिन जो गांव में रहने वाला चूहा था उससे प्रॉमिस करवाया कि वह उससे मिलने शहर जरूर आएगा. वन इवनिंग मिस्टर कंट्री माउस ट्रोटेड ऑफ, एक शाम जो शहर का चूहा था वह ट्रोटेड मीन्स घूमना, वो घूमने के लिए गया. हिज कहां गया, टाउन माउस के घर पर. हिज फर नाइसली ब्रश्ड एंड हिज पॉज एंड टेल वॉज टाइडी एंड क्लीन. उसके जो फर थे, जो बॉडी के जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के जो हेयर होते हैं उनको फर बोलते हैं. तो जो उसने उसके फर जो थे, बॉडी के बाल थे, वो अच्छे से ब्रश्ड किए हुए थे, ब्रश किए हुए थे मतलब पंजे से अच्छे से संभाले हुए थे. एंड हिज पॉज, और उसके पंजे और पूंछ बहुत साफ थी. मिस्टर टाउन माउस मेट हिम जस्ट आउटसाइड द बिग सिटी. जो शहर का चूहा था उसको बिल्कुल शहर के बाहर ही मिल गया. बिफोर टेकिंग हिज टू हिज होल, अपने होल के अंदर ले जाने से पहले मिस्टर टाउन माउस वार्न्ड मिस्टर कंट्री माउस. शहर के चूहे ने गांव के चूहे को सावधान किया, बांड में सावधान या चेतावनी, सावधान किया, दैट ही शुड बी कॉशियस सो दैट नोबडी माइट सी हिम, ताकि कोई भी उसको देख ना सके. कॉशियस में सावधान, ताकि कोई भी उसको देख ना सके. बोथ ऑफ देम वेरी कॉशियसली क्रैप्ड टुगेदर वेयर मिस्टर टाउन माउस हैड बीन लिविंग. क्रैप्ड मीन्स रेंग कर जाना, रेंग कर जाना, हाथ और पैर की सहायता से लेटे लेटे ही अंदर खिसक के जाना. तो दोनों जब किसी उन्होंने देखा कि कोई उनको नहीं देख रहा है, तब दोनों चूहे, शहर का चूहा और गांव का चूहा, दोनों रेंग कर शहर का जो चूहा जहां रहता था जिस होल में, उसमें पहुंच गए, मतलब उसके घर में चले गए. द अ लिटिल होल दे रीच्ड अ लार्ज डाइनिंग हॉल वेयर अ ग्रेट फीस्ट वॉज अबाउट टू स्टार्ट. एक छोटे से होल से घुसकर वे एक बड़े से डाइनिंग हॉल में पहुंच गए जहां पर बहुत सारा खाना मेज पर सजा के रखा हुआ था. द चेयर्स वर वेरी कम्फर्टेबली एंड ऑन द टेबल देयर वर मैनी सिल्वर एंड गोल्डन प्लेट्स फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिशेज. देखा कि चेयर जो थी बहुत ही आरामदायक थी. चेयर में कुर्सियां, कुर्सियां बहुत आरामदायक थी, और जिस टेबल पर वो खाना रखा था उसकी प्लेटें सिल्वर
और गोल्डन, सिल्वर मीन्स चांदी और सोने की प्लेट्स थी, जो पूरी तरीके से अच्छे अच्छे खानों से, तरह तरह के जो अच्छे पकवान थे उनसे भरी हुई थी। स्टूडेंट्स, इसके आगे के पेज मैं आपको पार्ट बी में पढ़ाऊंगी, ठीक। यहाँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू हियर टूडे वी रीड, सो नाउ आई विल राइट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट इन योर इंग्लिश कॉपी वर्ड मीनिंग लेसन टू, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट पार्ट ए लेसन टू, व्हेन आई राइट पार्ट टू यू एड पार्ट टू इन दिस लेसन, अंडरस्टूड।